सोशल मीडिया पर इन दिनों दो वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। दोनों को ध्यान से नहीं भी देखेंगे तो फर्क समझ आ जाएगा। वीडियो वन, जब एक अनजान शादी में खाना खाने पहुंचे एमबीए के एक छात्र को बर्तन धोने पड़े। वीडियो टू, हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा, हम आ गए। पहली वीडियो देखकर आपको गुस्सा आ सकता है या लड़के के लिए बुरा लग सकता है। दूसरी वीडियो को देखकर दिल खुश हो जाएगा कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है जिसमें लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिन बुलाए भी चले जाते हैं। अक्सर शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी आसपास की शादियों में जाकर खाना खा लेते हैं और चलते बनते हैं। ऐसे ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एमपी के भोपाल का बताया जा रहा है, जहां बिन बुलाए मेहमान को दावत में खाना खाने की वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। लड़का एक शादी में बिन बुलाए चला गया, जहां पकड़े जाने पर घर वालों ने उससे बर्तन धुलवाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने वाला इंसान उससे सवाल जवाब भी कर रहा है। दूसरा वीडियो बिहार का बताया जा रहा है। इसमें एक लड़का शादी में दूल्हे के पास स्टेज पर बैठा है। वो दूल्हे से कहता है कि हमें नहीं पता कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के हैं। हम हॉस्टल में पढ़ते हैं और हमने आज खाना नहीं बनाया है, इसलिए हम इस शादी में बिन बुलाए खाना खाने आ गए हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस पर दूल्हा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खा लीजिए, हॉस्टल में बच्चा लोगों के लिए भी खाना लेते जाना। दूल्हे का ये जवाब सुनकर लड़के के दोस्त हंसने लगते हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ रही है। कॉलेज टाइम में ये सारी चीजें हम सब ने कभी ना कभी जरूर करी है, मैंने खुद भी करी है। लेकिन ऐसे पकड़े जाने पर बर्तन धुलवा लेना, क्या ये सही है? क्योंकि किसी भी इंडियन शादी में हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना बनता है और एक रिसर्च के मुताबिक 30-40% खाना शादियों में बच जाता है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।